नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SSC CHS 2024। जो आप सभी लोगों को पता होगा कि SSC संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर CHSL प्लस टू का परीक्षा जो है करने के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। तो आप लोगों को बता दें कि दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आई है कि जो CHSL की वैकेंसी है जो आ चुकी है, जो भी स्टूडेंट CHSL का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है कि वो अपना फॉर्म अप्लाई करके अपनी सीट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि कितनी सीटें हैं, कौन कौन इस बार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इन सभी के बारे में हम वीडियो को अपने देखेंगे इस वीडियो में, पर हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट का, ये है नोटिस टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। देखिए 8 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए UP, ये देखिए आपको SSC सिलेक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो नोटिस निकल के आई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन 2024। जो स्टूडेंट पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार इस फॉर्म को अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात यह है कि जो देखिए एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन डेट निकल के आई है वो 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक, यानी 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक के बीच में आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट डेट जो बताई गई है दोस्तों, यह है 7 मई, यानी 11 बजे, ठीक है। 23 मतलब होता है 11 बजे के टाइम, रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की बात की गई है, तो आप 8 को यानी 7 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, और 8 तारीख जो है मई का वो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है पेमेंट के लिए, ठीक है। डेट ऑफ विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट और करेक्शन ऑफ चार्जेस की बात की गई है। तो दोस्तों दो है, करेक्शन के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा वो उसमें आपका 10/5/2000 से लेकर 11/5/2023 के बीच में होगा। तो ये आपके करेक्शन की भी डेट आएगी। बाय द वे, किसी का फॉर्म गलत हो जाता है किसी वजह से, तो उसमें करेक्शन के लिए भी एक टाइम निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, शेड्यूल ऑफ टाइवन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज़ें डिसाइड की गई है कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों की, और बता दें कि SSC जो फर्स्ट बार दे रहे हैं जो प्लस टू का एग्ज़ाम, उनको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है दो टाइप में होता है, दो टर्म में किया जाता है। यानी फर्स्ट में टायर वन होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो आपके 100 मार्क्स के होते हैं और 4 सेक्शन में ये डिवाइड होता है। दोस्तों 4 सेक्शन में डिवाइड होने के मतलब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साइंस होते हैं, ठीक है। और पर सेक्शन जो होते हैं 25 नंबर के होते हैं, यानी ये आपको 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 100 नंबर का ही पेपर होता है, ठीक है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे आता है एक शेड्यूल, देखिए टायर टू, ठीक है। ये टीयर टू में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टू बी नोटिफाइड लेटर, ये बाद में आपको बताएगा, बट फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो आपको जून और जुलाई के बीच में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे देखिए पे स्केल की बात की जाए दोस्तों, तो पे स्केल आपकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देखिए लोअर डिविजनल क्लर्क LDC की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो आती है लेवल पे टू की, यहाँ पे 19,009 से 63,200 सैलरी की बात की जा रही है। यानी स्टार्टिंग जो होती है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में होती है। 19,900 मूल वेतन होता है, इसके बाद आपका TA DA सारे जुड़ करके नियर अबाउट आपको स्टार्टिंग बेस में 28,000 से 30,000 के बीच में जाता है, ठीक है। ये है आपकी, आगे दिखाते हैं आपको दोस्तों। यहाँ पे डाटा एंट्री की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट डाटा एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे। तो DU जो होता है, देखिए DU का मतलब होता है लेवल 4 है, यहाँ पे 25,500 लेकर के 81,100 तक के बीच में सैलरी होती है। और यहाँ पे ग्रेड पे लेवल जो होता है 5 होता है, जो कि 29,200 से लेकर 92,300 तक किया जाता है। डाटा ऑपरेटिव यानी ग्रेड ए में जो सैलरी होती है 25,500 81,001 तक वीक होती है, ठीक है। आगे बात की जाए वैकेंसीज को लेकर के, तो दोस्तों वैकेंसी इस बार बहुत ही अच्छी है। देखा जाए तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी की बात की जाए तो 3712 यानी 3712 वैकेंसीज है। हाफ फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिटरमाइंड यू ऑफ कोर्सेज यूनाइटेड वैकेंसीज भी एनी लॉन्ग विद द पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कैंडिडेट कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसीज इन द ड्यू ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स मे नॉट बी दैट साइट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज एंड नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन।
दोस्तों यहाँ पे जो पूरी सीट दी गई है ये सारी की सारी टोटल है, बट आपको बता दें कि स्टेट लेवल जो SSC का एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, इधर सभी स्टेट की वैकेंसीज़ को निकाला जाता है, तो आपको पूरे स्टेट में जितने भी इंडिया में स्टेट हैं उन सभी स्टेट से वैकेंसी की बात की जाए तो पूरा टोटल 3712 है। आप इसको इसी पे फाइंड करना होगा। इसमें हर सीट जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, जो जनरल OBC SC ST की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में देख करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले एक आती है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एज लिमिट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका फॉर्म फाइनल फेल नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए जो डेट दी गई है, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइज ऑफ फीस 1/8/2024 अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर इतना, और डेट 14/7/1988 के एज ऑफ लिमिट फॉर द पोस्ट 1827 ईयर। यहाँ पे बात की गई है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी है 14/7/14 July 1988 से लेकर के लिमिट एज बता रही है 18 से 27 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। इसके बीच में आप 28 से 27 साल की तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर OBC SC ST के बीच में हैं तो आप इसमें आपको एक रिजर्वेशन मिलता है, वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ कैंडिडेट बोर्ड नॉट बिफोर 8/2/1997, अभी ये बात की जा रही है कि जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1997 से पहले के हैं और यहाँ पर बात की है लेटर दैन 1/8/2006 यानी 1 अगस्त 2006 है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। देखिए जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए फॉर्म बहुत सारी देखो चीज़ों को रूल्स को फॉलो करना होता है। आप यहाँ पे देखिए अगर SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, अगर OBC से है तो आपको 3 साल की छूट जाएगी। ये छूट दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए दी जाती है, आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वहाँ पर आप फॉर्म भरते समय एज रिलैक्सेशन को आप ऑन करेंगे तभी आपको चीज़ें मिलेगी। PWD अनरिजर्व वाले जो हैं उनको 10 साल की मिलती है, PWD OBC के लिए है वो 13 साल के लिए है, PWD SC ST जो है वो 15 सालों के लिए है, एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 साल के लिए छूट दी गई है, ठीक है। आगे आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे देख लीजिए जो डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड है, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए 3 साल की है, ठीक है। डिफेंस पर्सन डिसेबल और ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टल विद एनी फॉरन कंट्री से हैं, SC ST है तो उनको 8 साल के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यू सर्विसेज, जो भी एम्प्लॉई हैं अगर उन्होंने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किया है 3 साल तक रेगुलर काम किया है सर्विस किया है तो उनके लिए दोस्तों अप टू 40 ईयर ऑफ एज 40 साल तक एज तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉई हु हैव रेंडर्ड द नॉट लेस देन 3 ईयर्स एंड रेगुलर कंटिन्यू सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट और रिसेप्शन ऑनलाइन सर्विस ऑनलाइन एप्लीकेशन SC और ST उनके लिए दोस्तों 45,000 तक अगर एज है तो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडो डाइवोर्स वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड एंड हु आर द नॉट रीमैरिड उनके लिए दोस्तों 35 साल तक एज डिसाइड की गई है कि आप 35 साल की एज तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनका एज 35 साल हो रही है कैलकुलेट से तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडो डाइवोर्स वुमेन वुमेन जुडिशियल अगर ये SC कैटेगरी से हैं, देखिए यहाँ पे बात की गई किसी भी कैटेगरी से हो OBC हो जनरल हो, बट यहाँ पे अगर SC और ST से हैं, ठीक है, तो इनको 40 साल तक एज तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं आपको फॉर्म को भरते समय इन चीज़ों को ध्यान में देना होगा वरना आप फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए इन सभी चीज़ों के बाद दोस्तों यहाँ पर निकल गया था कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए डाटा एंट्री के लिए ग्रेड ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके 12th स्टैंडर्ड इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज बोर्ड आर इक्विवेलेंट, आपको 12th यानी 12वीं पास होनी चाहिए साइंस से, ठीक है, और इसमें मैथ से, और आप किसी भी बोर्ड से हों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। LDC GSA DU और के लिए दोस्तों ग्रेड ये है, इनके लिए भी आपको 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप किसी भी बोर्ड से 12th पास होने चाहिए, इसमें किसी का ये नहीं कहा गया है कि आपको साइंस होना चाहिए या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, इसमें आप 12th पास होने चाहिए। कैंडिडेट हु हैव अपीयर द 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आल्सो अप्लाई द मोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर देन डेट ऑफ इतना, जो भी स्टूडेंट 1/8/2024 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है वो भी अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों आप इसको फॉर्म जो है भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड जरूर कर लें, उसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कई बार होता है कि बहुत अच्छे से हम तैयारी कर रहे होते हैं और हमने फॉर्म भर दिया होता है, बट हमारी ही गलती से या फिर किसी जिससे हम फॉर्म भरवाते हैं किसी साइबर कैफे वगैरह से गलती से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप अपना फॉर्म को ज़रूर भरें। और दोस्तों अगर कोई बात किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको करना, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेकर के। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या स्ट्रीम बनाएंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ऑल आउट। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों, आप सभी फ्रेंड्स को मैं ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को ये मिल सके और ये उनको भी एक हेल्प दिया सके। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि दूर दराज गांव में बैठा हुआ लड़का भी इस चीज़ को तैयारी कर रहा होता है और उसे किसी वजह से इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से वो अपने फॉर्म को नहीं फिल कर पाता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हों आप वीडियो को शुरू शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।